हम आपको निवेश से जुड़ी अलग अलग विकल्पों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। उम्मीद है आप इन जानकारियों का फायदा भी उठा रही होंगी। तो जैसा वादा था, इस हफ्ते भी हम आपके सामने हैं एफडी के बाद आरडी से जुड़ी जानकारी लेकर। आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट या आरडी अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खोले जा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया भी एफडी से मिलती जुलती है। लेकिन एफडी में जहां रकम आप एक बार जमा करती हैं, वहीं आरडी में इसे आप हर महीने या तिमाही में जमा कर सकती हैं। यहां आपको ये चुनना होगा कि आप आरडी में कौन सा स्कीम चाहती हैं। ऐसे में आपको फॉर्म भरने से पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने रुपए रिकरिंग डिपॉजिट में डालना चाहती हैं। आप यहाँ लंबी अवधि यानी एक वर्ष से 5 साल तक के लिए हर महीने रुपए जमा करा सकती हैं। आप जो रकम तय करेंगी वो आपके बैंक अकाउंट से या तो सीधे कट जाएगी या आप उसे बैंक में स्वयं जाकर जमा भी करा सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ ये ख्याल रखना होगा कि ये रुपए उसी दिन कटेंगे जिस दिन आपका आरडी खाता खुला होगा। आपका सवाल होगा कि ब्याज दर क्या होगी, तो आरडी पर मिलने वाली ब्याज दर भी अलग अलग बैंक पर निर्भर करती है, जो 3 से 6% हो सकती है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज दर मिलती है। इसका फॉर्म भी सिंपल होता है, जिसमें आपको पूछी गई जानकारी भरनी होगी, अपना अकाउंट नंबर डालेंगी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप अकाउंट नंबर डबल चेक करके भरें। इसके बाद आप ये तय कर लें कि आप ब्याज की रकम हर महीने लेना चाहती हैं या आरडी की मैच्योरिटी पर लेना चाहती हैं, और ये ब्याज रकम आपके बैंक अकाउंट में सीधा चली जाएगी। यहाँ आपके ज्वाइंट एप्लीकेंट हो सकते हैं और नॉमिनी भी आपको देना होता है। इस नॉमिनी की जानकारी जो भी फॉर्म में पूछी गई है वो देनी होगी, साथ ही इससे अपना रिश्ता भी बताना होगा। ऐसे ही आप ऑनलाइन भी आरडी अकाउंट बनवा सकती हैं। वैसा ही फॉर्म या डिटेल आपको भरनी होगी और बैंक से आपको जवाब या एक्नॉलेजमेंट भी तुरंत आ जाएगा। ये निवेश का एक ऐसा जरिया है जहां आप हर महीने अपनी बचत का पैसा यहां जमा कर सकती हैं और जिस पर ब्याज भी पा सकती हैं। आप हमें बहुत से कमेंट भेज रही हैं, इसके लिए शुक्रिया। आप और किस विषय पर हमसे जानकारी हासिल करना चाहती हैं वो बेझिझक हमें लिखें और हमसे जुड़े रहिए bbchindi.com के जरिए। शुक्रिया।